Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. Sports Talk पर आपका बहुत स्वागत है। और अगर हमारे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, तो ये ऋषभ पंत ने अपने Instagram पर स्टोरी पोस्ट की है कुछ ही देर पहले। उसमें उन्होंने एक मैसेज भी लिखा है। लिखा है, Never knew just able to sit out and breathe fresh air feel so blessed. काफी दिनों बाद ऋषभ पंत ने अपने इंस्टाग्राम पर जाके एक स्टोरी पोस्ट की है। और अगर स्टोरी देखा जाए और उसमें उस मैसेज को पढ़ा जाए, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज निकल कर आता है। 30 दिसंबर को उनके कार एक्सीडेंट के बाद कई दिन ऋषभ पंत देहरादून के अस्पताल में रहे। उसके बाद उन्हें वहां से मुंबई शिफ्ट किया गया, कोकिला बेन अस्पताल, जहां पर उनकी सक्सेसफुल सर्जरी भी कंप्लीट हुई। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अलाउ किया कि वो वापस घर भी जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगेगा उनके रिहैब को, करीब 4 से 6 महीना, और उसके बाद ही वो टीम इंडिया में अपनी वापसी कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तस्वीर को और इस मैसेज को पढ़ें और अगर उस चीज़ को देख के ये सोचने की कोशिश करें कि जब ऋषभ पंत ये पोस्ट कर रहे होंगे तो उनके मन में कितनी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि 30 दिसंबर से लेकर अब तक का वक्त एक लंबा वक्त होता है। और अगर ऋषभ पंत इस दौरान सही होते, फिट होते, तो हो सकता है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी होते। और अगर आपने हाल ही में 2 या 3 दिन पीछे जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी या फिर इससे इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी तमाम खबरों पर अगर आपने आपकी नज़र गई होगी, तो आपको पता चला होगा कि कई सारे दिग्गज जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं, वो ये कह भी रहे हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे अहम खिलाड़ी होते जो कि मेक और ब्रेक वाला काम कर सकते थे, और ऋषभ पंत का ना होना टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कमी भी है। तो इस तरीके की कई सारी आपको न्यूज़ देखने को मिलती, लेकिन इस मैसेज के बाद में एक चीज़ तो तय है, वो ये है कि ऋषभ पंत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ गए हैं। तो उम्मीद अब यही है कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हों, अपना रिहैब पूरा करें और टीम इंडिया के साथ वापसी करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।